what's wrong? Scared? Wake up to reality. Hey, hello there. तो आप लोग का स्वागत है एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। अभी जो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं तुम लोग के साथ स्नाइपर के शॉट दिखाया, उससे इम्प्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारे के साथ शॉट हैक करने मारे हैं। हाँ, कभी कभी जब भी मेरे गेम में कोई हैक करता है मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और आज वो रिकॉर्डिंग मेरे काम आ गई। तुम जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो अपने अपने सर पे हाथ रख के कसम खा के बताओ, तुम लोग को क्या लगता है स्नाइपर प्लेयर बनने के लिए क्या चाहिए रहता है? टैलेंट नहीं, स्किल्स नहीं, प्रैक्टिस नहीं, IQ नहीं, कंग्रेचुलेशन चाहिए रहता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा डिवाइस जिसकी DPI इतनी हाई हो जाए आपकी स्नाइपर्स को, ओ सॉरी असॉल्ट राइफल्स को, क्योंकि इस गेम में तो स्नाइपर्स भी AR की तरह चलती है। जो आपकी AR को एकदम स्पीड में चेंज कर सके। तो आज की वीडियो में तुम लोग को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि तुम लोग उसको यूज करते बराबर ऐसे स्नाइपर किंग बन जाओगे ना कि भाई कोई पैदा नहीं होगा जो तुमको मार दे। मतलब स्नाइपर तो तुम ऐसे चलाओगे ना, मतलब एकदम मक्खन, मतलब वो बोलते हैं ना स्वाद आ जाएगा। तो देखो गाइस, अभी मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि स्नाइपर किंग कैसे बनते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं हेरोइक की लॉबी पे खेल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं बोलने का, ठीक है? पर वो लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई गोल्ड पे तो कोई भी डबल स्नाइपर बना सकता है, कोई भी भाई स्नाइपर किंग बन सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हेरोइक की लॉबी है। और मैं तुम लोग को एक रियलिटी बता देता हूँ कि डायमंड की जो लॉबी होती है वो हेरोइक की लॉबी से ज़्यादा हार्ड होती है। हाँ, रियलिटी भाई ये देखो, तुम लोग को जो लोग हेरोइक पर खेल चुके उन लोग को पता रहेगा, जैसे हम लोग 3500 के समथिंग का कुछ स्कोर जैसे क्रॉस करते हैं ना, उसके बाद हमारी लॉबी में थोड़े डाउन प्लेयर आने लगते हैं, मतलब प्लेटिनम डायमंड 1 डायमंड 2 के प्लेयर आने लगते हैं बहुत ज़्यादा लो। और भाई तुम लोग जैसे 4000 का स्कोर पार करते हो ना, उसके तो लिटरली तुम्हारी लॉबी में सिल्वर और गोल्ड के प्लेयर आने लगते हैं। और यही रियलिटी भाई हेरोइक की, ठीक है? और ग्रैंड मास्टर भाई उसकी तो पूछो मत, रियलिटी तो ये ग्रैंड मास्टर पे तो बॉट आते हैं, बॉट मतलब भाई जो एक गोली मार के तुमको भाग जाएंगे वो वाले, समझ रहे हो? ये तो धोती खोल रहा है। अब गाइस यहाँ पे उतरते ही एक जन को मारने के बाद थोड़ा मेरे को बाउंटी आउंटी लूट के K98Z मेरे को मिल गई, वो भी डबल डबल, और मैंने इसको नाम दिया असंभव गन, क्योंकि गाइस देखो इसके सामने जो बंदा आ गया वो फिनिश है, मतलब तुम बच ही सकते भाई, अपनी हार वहीं मान लो। अगर सामने वाले के पास K98Z है और उसको स्विचिंग करना आता है, मतलब उसको अगर स्नाइपर को AR कैसे बनाया जाता है उसको अगर आता है, तो भाई तुम्हारी मौत तय है, तुम बच ही नहीं सकते भाई। अब यहाँ पर देखो मैं शांति से जा रहा था और एक बंदे ने मुझको गोली मारी, मतलब उसकी मौत वहीं तय हो गई जैसे उसने मुझको गोली मारी। गाइस देखो अब मेरे को लिटरली कुछ मेहनत नहीं लगी। देखो गाइस अभी वो निकल के बाहर आएगा और सिंपली देखो थोड़ा सा नेट फेंका मैंने और ये एक और ये दो, बस खत्म भाई खत्म, मतलब फिनिश भाई, कोई जरूरत ही नहीं तुमको भाई ग्लू वॉल ग्लू की कोई जरूरत ही नहीं है। एक तो गाइस पहले ही हमारी गेम में हमारी जो स्नाइपर्स होती हैं वो AR की तरह चलती है, मतलब हमारे जो मॉडरेटर और जो हमारे स्नाइपर प्लेयर्स हैं उनका मानना है ये ग्लिच नहीं है, ये स्किल्स होती हैं, स्किल्स, इसे कोई ग्लिच नहीं बोलेगा भाई, ग्लिच जो बोल देगा वो सबसे बड़ा पागल है, ठीक है? ये स्किल्स होती है, मतलब अपनी गन को स्विच करते करते तुम AR बना दो उसका, मतलब भाई क्या ही स्किल्स है, वाह देखते बराबर ही स्वाद आ गया। और इतना ही नहीं, ये ग्लिची काफी नहीं था कि हमारे गेम डिजाइनर्स ने हमारे गेम में डाल दी K98Z वो असंभव गन, मतलब जिसको भाई अंधाधुन मार सकते हो तुम, मतलब तुमको देखने की जरूरत नहीं एनिमी कहाँ खड़ा है, बस स्कोप इन करो स्कोप आउट करो और खत्म, मतलब देखते मतलब आग झपकते एनिमी खत्म भाई, मतलब यही तो मतलब कभी करते तो मैं ये सोचता भाई ये क्या मतलब क्या सोचते क्या ये डिजाइनर लोग, मतलब समझ ही नहीं पड़ती मेरे। तुम लोग को पता है मैंने इसको असंभव नाम क्यों दिया, क्योंकि इसको पकड़ते तुम बन जाते हो अश्वधामा, मतलब भाई असंभव, कोई हरा दे तुमको ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमको कोई जरूरत ही नहीं है शॉर्ट रेंज में लॉन्ग रेंज में मिड रेंज में, भाई यही चलेगी भाई, मतलब भबा 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 बस तुमको चाहिए तो क्या एक अच्छा सा फोन जिसका DPI हाई हो। मतलब देखो मेरे जैसे जो गरीब प्लेयर होंगे उन लोग को पता रहेगा कभी कभार अपन टच करते अपनी गन स्विच ही नहीं होती भाई, ठीक है? पर अगर तुम्हारा DPI हाई रहेगा तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब अरे खुद मत DPI हाई करने पर जाना, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ, मतलब तुम लोग बड़े चंट हो भाई कसम से बता रहा हूँ, मतलब कुछ लोग खुद ही अपने DPI हाई करने बैठ जाते हैं भाई, फ़ोन की ऐसी की तैसी लग जाएगी रहन दो, ठीक है? अच्छा DPI वाला फ़ोन यानी कि iPhone हो गया, मतलब ROG हो गया, ऐसे मतलब थोड़े भारी भारी, समझ रहे हो? ओह ये भाई अगर तुम लोग मेरा मैसेज किसी डिजाइनर तक पहुंचा सकते हो फ्री फायर के तो पहुंचाओ और उसको बोलो भाई क्यों हग रहा है, मतलब यार ये क्या है, मतलब कोई एक चीज़ हटा दो, या तो ये रिलोड वाला मैकेनिज्म हटा दो या फिर K98Z हटा दो, मतलब दोनों को ऐसे चिपका के अंदर डाल दिया कि यार ARMO बना रखा है, मतलब बिल्कुल ही मतलब कुछ भी हो रखा है, इधर स्नाइपर भी डिफॉल्ट पे चल रही है, क्या ही कर सकते हैं। आम मोदी जी वाह। अब यहाँ पर देखो मैं चला आया भैया ट्रेनिंग ग्राउंड में, चलो क्या देखते हैं, तो देखो यार मेरे को मतलब कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, बस ये खोला स्कोप और धपाधप देना चालू, मतलब जहाँ पर सामने वालों को बड़ी मेहनत लग रही है एक दूसरे को ढूंढ ढूंढ के मारने में, वहां पर मैं भाई डबल स्नाइपर से सबकी वाट लगा रहा हूँ। अब देखो ये तो कोई स्नाइपर वनाइपर की बात है, अपन कुछ कर भी क्या सकते हैं, मतलब भाई वो तो गरेना के हाथ में और उसके डिजाइनर के हाथ में जो ये सब चीजें कर रहे हैं भाई, मतलब
थोड़ा सा तो रहम कर ले, कुछ तो सही कर दे, ठीक है। अब उसके अलावा थोड़ी बात कर लेते दुनियादारी की। भाई अभी जो ग्लिच आया था डायमंड वाला, और काफी लोगों ने अपनी आईडी में डायमंड डाल भी लिया उस ग्लिच के तौर पे। मेरे को पता, मैं थोड़ा लेट हूं, पर मैं तुम लोग को बता दूं, जिस बंदे ने उस ग्लिच का यूज करके अपनी अपनी आईडी में डायमंड टॉप अप किए थे भाई, तुम सब गए, मतलब कोई बचने वाला नहीं है। देखो लिटरली बता रहा हूं, जिसने उस डायमंड ग्लिच का यूज किया था ना, तुम सबके आईडी पे रेस्ट्रिक्शन आने वाला है। देखो यार, भले गरेना कितना ही आलसी क्यों ना हो, ग्लिच देर से हटाता हो, नई नई चीजें लेट से लाता हो, पर डायमंड को लेकर गरेना बड़ा सीरियस है। एक दो एक्स्ट्रा बंदों को मारेगा, भले एक दो एक्स्ट्रा बंदों की आईडी में रेस्ट्रिक जाएगा, कम नहीं होगा, लेकिन ये याद जरूर रखना, मतलब जिसने उस ग्लिच का यूज किया, अब तुम लोग सिर्फ दो काम कर सकते हो, या तो फिर पैसे भर के अपनी आईडी बचा लो, या फिर भैया फिर नई आईडी बना लो, और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। गया। सो आई होप गाइस तुम लोग को वीडियो बड़ी पसंद आई रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर जरूर लाइक मार के जाना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वो जो रेड बटन को तोड़ दो, फोड़ दो, दबा दो, और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, ठीक है। बाजू जो बेल नोटिफिकेशन को जरूर जरूर ऑल पे सेट कर लेना। और मुझसे बातें बातें करने का मूड हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं ऐसे किसी एक धमाकेदार वीडियो में, टिल देन बाय बाय। लाइक कर वरना मौत मिलेगी। लाइक कर।